नमस्कार दोस्तों, आज हम इस नए बुक का रिव्यू करेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा हमें ये देख कर कि ये बुक किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इट्स टाइम टू लर्न आर्ट बुक 5। यहाँ पर देखिए किस तरह से बुक 5 को हम देख रहे हैं और कितना अच्छा इसका बुक कवर बनाया गया है। अच्छे अच्छे कार्टून से यहाँ पर दिए गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पीछे का भी अगर कवर देखें हम तो इसमें भी बहुत अच्छा बच्चों को लगेगा। और यहाँ पर अबाउट द सीरीज़ के बारे में पूरा जानकारी आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर LKG UKG के बारे में लिखा गया है। तो चलिए हम बुक को पलटते हैं और पलटने के बाद में हम देखते हैं इसके अंदर का फेस और बहुत ही अच्छा हमें लगेगा देखने में। देखिए जिस तरह से बाहर का कवर हमें लग रहा है ठीक उसी तरह से अंदर का भी कवर बनाया गया है। ये फर्स्ट पेज का कवर है हमारा, जो ड्राइंग हम इसमें करेंगे इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पर एक कंटेंट का हमें मिल जाएगा कि किस तरह से कंटेंट हमें यहाँ पर दिया गया है। स्किल है, चैप्टर है और यहाँ पर पेज है। यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे देखें, स्किल का भी ऊपर से नीचे देखें तो सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। हम 3 चैप्टर वाले जो पेज था हम इसको प्रैक्टिस कर चुके थे, आप इसका पिछला रिव्यू जाकर देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आज हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इसमें दिया गया है लेट्स कलर विथ कूल कलर। आज कलर द पैटर्न विथ ए कलर्स एज सून इन द रेफरेंस पिक्चर। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा और इसके बारे में हम यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे कि किस तरह से कूल कलर होता है और बड़े वाले पिक्चर में हम किस तरह से डाल सकते हैं। पेज नंबर 4 का ये है और हम इसको पूरा का पूरा अच्छे से रिव्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर बनाया गया है और इसमें वेव लाइन का यूज़ किया गया है। वेव लाइन का यूज़ करने से क्या हो रहा है कि हमें समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से कलर को डालेंगे। देखिए वेव लाइन जो है इसमें हम पूरा का पूरा समझ सकते हैं। हम जब अंदर जाएंगे तो पूरा डिटेल्स में और भी सीखेंगे और हम इसको देख लेंगे कि कूल कलर क्या है। देखिए यहाँ से हमारा सीरीज जो है अब स्टार्ट होता है। अब हम इसको अच्छा से जानेंगे। सबसे पहले हम एक पेज ले लिए, उसमें हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद में अब हम कलर डाल रहे हैं। सबसे पहले हमारा कलर जो है वो ब्लू कलर है, जैसा कि आपने देखा है ड्राइंग में कि हम किस तरह से कलर को करेंगे। तो सबसे पहले हमने कलर लिया है ब्लू कलर को और इसमें मैंने कर दिया है और थोड़ा सा वीडियो को मैंने फास्ट किया है जिससे कि हमें समझ में आ जाए। और यहाँ पर देखिए हम पहले लाइन को डार्क कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सा लाइन कहाँ पर किस तरह से डालना है। इसीलिए हमने सबसे पहले स्क्वायर बनाया और वेव लाइन को हम एक एक करके बना रहे हैं। इसको गिन कर और इसको नाप के मैंने इसको ड्रॉ किया है बहुत ही अच्छा से और काफ़ी टाइम मैंने इसमें दिया है। ऐसा ना हो बच्चे, अगर आप बिगनर हो तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अच्छा से कलर को करो और अच्छा से सबसे पहले ड्रॉ करो। देखो मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन कौन से कलर को डाल रहे हो, मैटर ये करता है कि आपका ड्रॉ किस तरह से हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपका जो ड्रॉ है वो हमेशा सही हो। तो इस पर जब आप कलर डालोगे तो कलर को डालते समय आपको याद रखना है कि कलर को किस तरह से पकड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर पकड़ा है कलर को बहुत ही हल्के हाथों से, तो आपको हल्के हाथों से ही कलर को पकड़ के करना है। और यहाँ पर अलग अलग कलर का जो वाइब्रेंट है उसको भी डालना है। तो कलर को डालते समय हमें ये भी ध्यान में रखा जाता है कि लाइन से बाहर ना जाए। तो अभी मैं जो यहाँ पर स्पीड में भी कर रहा हूँ या फिर मैं धीरे में भी कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान में रहता है कि मेरा जो कलर है वो बाहर ना जाए, तो मैं बाहर कलर को करने का कोशिश नहीं करता हूँ। आप बिगनर हो, आप अभी स्टार्ट किए हो कलर को करने के लिए या ड्राइंग बना रहे हो, तो ध्यान में रखना है कि कलर को इसी तरह से किया जाए जिससे कि कलर बाहर में ना जाए। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके कलर को करते हैं और हमें सीखना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर नंबर 4 का हमारा है, क्लास 5 का। और ये जब हम इसको कर रहे हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा कलर जो है वो बाहर ना जाए। तो बिगनर्स, आप बिगनर हो तो आपको ध्यान में रखना होगा और कलर का नाम याद करके रखना होगा। अब मैं यहाँ पर कलर को जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ उस तरह से कलर का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाम डिस्प्ले होता ही जा रहा है। तो अब धीरे धीरे करके हम इसको आगे भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब मैं कलर को डाल रहा हूँ तो ये कूल कलर में आता है। कूल कलर जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि कूल कलर है, कूल कलर मतलब ठंडा कलर। ये आँखों को हमें सादगी देता है, ठंडक पहुँचाता है, इसीलिए हम इसको कूल कलर बोल रहे हैं। जो कलर हमें ठंडा देता है या फिर जो कलर हमें शांति देता है, हम उस कलर को उसी तरह से देखते हैं और हम उसी तरह से उसको करते हैं। बुक में बहुत ही अच्छा से बताया गया है और
और बुक का आपने जब रिव्यू देखा तो उसमें आपने ये भी देखा कि कलर को किस तरह से डालना है। तो कुछ कुछ कलर जो है उसको अगर हम शांति, जैसे कि देखिए ये जो रेड कलर है ये वार्म कलर में आ जाता है, लेकिन इसको मैं अगर कूल कलर में कन्वर्ट करूँ तो इसके लिए मुझे पहले रेड करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास में हरेक कलर का कलर वाइब्रेंट नहीं है। तो हम उस कलर को अगर करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि कलर को किस तरह से करना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दो दो कलर का यूज़ कर रहा हूँ और उसको कूल कलर में लाने का चेष्टा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। कलर को डालते समय आपको ध्यान में रखना है कि कलर जो है वो हमारा बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि आप बिगनर हो, आपको हमेशा नहीं करते हो, आपको अगर इंटरेस्ट है आर्ट में तो आप हमेशा इसको करते रहो। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर वाइट कलर डाला और डालने के बाद मैं अब इसके ऊपर में डाल रहा हूँ हल्का हल्का लाइट ग्रीन कलर, मैं इसमें डाल रहा हूँ। हल्का डालने से क्या होता है कि समझ में आता है कि मैं अपने जो ड्राइंग है उसको किस तरह से मैं बनाऊँ और किस तरह से उसमें मैं अपना क्रिएटिविटी को लेकर आ जाऊँ, हमें इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप तुरंत किसी भी बड़े आकार के या फिर बड़े ड्राइंग को आप ना बनाओ, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे हम सीखेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से आपको भी उसी हिसाब से सीखना है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने जो कलर डाला था उसको फिर धीरे धीरे करके मैंने जो आगे बढ़ाया है, मैंने किसी में भी कलर को बाहर निकालने का चेष्टा नहीं किया है। अगर आप बाहर निकाल रहे हो कलर को तो ध्यान में रखना है कि आपका पेंटिंग गलत हो रहा है, तो उसको सही करना है। आप इसमें इरेजर का यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑयल पेस्टल है, ऑयल पेस्टल कभी भी इरेजर का यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि मैं अब कुछ ही लाइन के बाद हमारा पेंटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इसको लास्ट करते करते यहाँ तक नीचे तक आ गया हूँ, ऊपर तक आप देख रहे हैं ये पानी का वेव का जैसा लग रहा है देखने में, यानी कि जो हमारा लाइन है इस पूरा का पूरा स्क्वायर के अंदर में, तो वो पूरा का पूरा हमारा पानी का वेव लग रहा है, तो इसे हम देख पाते हैं और हमें ये ठंडक भी महसूस करवा रहा है, यानी कि ये कूल कलर में आ रहा है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कौन हमारा वार्म कलर है जिससे कि हमें आंखों में लगता है, और कौन सा हमारा डार्क कलर है, कौन सा हमारा लाइट कलर है। तो कूल कलर में ये आ रहा है, इसमें देखिए कूल कलर में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर है, हम कूल कलर में ये बोल सकते हैं जैसे कि पानी का जो कलर होता है, या फिर आप पकड़ सकते हैं इसमें ग्रीन कलर होता है। ये सब हमारा जितना भी कलर आ रहा है जो इसमें डाला गया, जैसे कि वायलेट कलर भी है, ब्लू कलर भी है, ये सब हमारा कूल कलर में आता है जो कि यहाँ पर मैंने डाला है और बुक ने भी रेकमेंड किया है। मैं बुक के हिसाब से यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, आप हमें फॉलो भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, कौन सा कलर आपको शांति दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।